और आपका जाने का मन है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तेरा जाने का मन है? बिल्कुल नहीं। मीठे आम मीठे। तो गाइस मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ। जिस होटल में हम रुके हैं ना, वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग ना हैंडमेड पेंटिंग से बनवाई है। इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम रितु एंड यू आर वॉचिंग रितु हांडा। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम निकल रहे हैं हरिद्वार से अमृतसर के लिए अपने घर वापस 8-9 days के बाद। तो गाइज मेरा ट्रिप बहुत ही ज़्यादा औसम रहा, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। ट्रिप के सारे ब्लॉग मेरे चैनल पे हैं, आप देखना चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। बद्रीनाथ का सारा ब्लॉग बहुत बढ़िया है, रोड ट्रिप्स बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया हमें अपने ट्रिप पे। और आज हम वापस निकल रहे हैं। किसी का भी जाने का मन नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही अपने घर वापस। तो निखार तेरा जाने का मन है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं है मन। और आपका जाने का मन है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। यही बोलेंगे सना। हेलो क्या चल रहा है? मतलब ना बहुत मिस कर रहे हैं कि नहीं जाना वापस। तो गाइस मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ। जिस होटल में हम रुके हैं ना, वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग ना हैंडमेड पेंटिंग से बनवाई है। इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है ना उन्होंने, रात को हमारे सामने बनाई है। हमने रात को शूट नहीं किया, वहाँ पर थोड़ी लाइट कम थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये हैंडमेड पेंटिंग है, ये है बद्रीनाथ जी की, ये है केदारनाथ जी की, ये है गंगोत्री, ये है यमुनोत्री। चारों धाम की ना पेंटिंग्स बनाई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी है। तो इधर ये है आर्टिस्ट जिन्होंने बनाई है, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। रात को इन्होंने स्टार्ट की थी और अभी इन्होंने फुली कंप्लीट कर ली है, बहुत बढ़िया बनाई है। तो गाइस ये होता है असली टैलेंट। ये पेंटिंग ये कंप्लीट करे, ये अभी इनकम्प्लीट है, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई इन्होंने। भैया वेल डन। तो गाइस चलो ये क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं। अभी हमें अमृतसर के लिए निकलना है और अमृतसर यहाँ से हमें पड़ेगा हरिद्वार टू अमृतसर कितना पड़ेगा? 430 किलोमीटर दूर है। तो अभी कितना टाइम हो चुका है? 1:30 बज चुका है। तो अभी मुझे शॉपिंग भी करनी है, अभी हमें लंच भी करना है, उसके बाद हम अमृतसर के लिए निकलेंगे। नन्नू कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। ये जीजू और साले का प्यार अपना ही है। पहले मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए और उसके बाद में हम करेंगे लंच, फिर हम यहाँ से निकलेंगे अमृतसर से हरिद्वार से अमृतसर। तो लंच पहले करना है कि पहले मैं हुआ हूँ शॉपिंग कर रहा हूँ? बताओ लंच पहले करना है? ठीक है पहले हम हुआ है। चलो मैं पहले आती हूँ, पहले मैं शॉपिंग कराती हूँ और उसके बाद हम आके लंच करेंगे, ठीक है? तो चलो चलते हैं हम दोनों। तो चलो मैं और नन्नू चले जाते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कराते हैं आके, तो फिर उसके बाद हम लंच करके निकलते हैं, ठीक है? तो गाइस बैग की शॉपिंग तो हो गई मेरी, अब चलते हैं आगे, आगे जाके देखते हैं क्या क्या चीजें आ रहे हैं, ठीक है? वाओ कितने प्यारे बुद्धा है। गाइस मैंने ये बुद्धा बाय किए हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो गाइस मैं शॉपिंग भी कर रही हूँ और हमने लंच भी कर लिया है, तो अब हम निकलने वाले हैं अमृतसर के लिए। हर हर महादेव। महावीर बजरंगी। हर हर महादेव। जय गंगा मैया। तो गाइस हम निकल चुके हैं अब हरिद्वार से अपने घर के लिए। तो जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, हमें 9 दिन हो चुके हैं 9 दिन बाहर घूमते हुए और ये ट्रिप हमारा बहुत बढ़िया रहा। तो अब हम निकल गए हैं, अभी 5 बज चुके हैं। तो 5 बजे हम निकले हैं, देखो कितने बजे पहुंचते हैं। अभी 6 घंटे का सफर है हमारा, तो जब भी पहुंचेंगे आप साथ साथ हो और ब्लॉग को देखते रहना। अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक भी जरूर करना। तो गाइस हम पहुंच गए सहारनपुर और यहाँ के ना जो आम है ना वो बड़े फेमस है। देख देख कितने सारे आम ना, मेरा मन कर गया कि आम लेने का। साया साया साया, ये इनको सुन ही नहीं रहा। इस टाइम हम हाईवे पर है, आम खरीद रहे हैं, छोटे वाले लेना जो आराम से खाए। क्या
शाम हो गई है और मौसम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और हम खड़े हैं हाईवे पे, सहारनपुर हाईवे पे। कैसे मीठे आम, मीठे ये पीछे जो बाग, वो ये बाग जो है ना, ये इधर से सारे आम को तोड़ते हैं, ये सारे आम के बाग है यहाँ पे, यहीं से तोड़ के यहीं पे लगाए होते हैं आम बहुत मीठे हैं। तो गाइस हमने ले लिए आम और अब हम चलते हैं आगे। तो गाइस निकल गए आगे। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं इतने बादल आए हुए हैं और बारिश भी आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना, मौसम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और ट्रैवलिंग करके वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो गाइस कितना तेज बारिश आ रही है, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत मजा आ रहा है, आप देख रहे हो बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, ये सहारनपुर के आगे आके है ऐसा वेदर। तो गाइस अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाने। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं अंबाला और ये आ गया है अंबाला का टोल प्लाजा। क्या पता यहाँ पर होए, वहाँ पे पर्स में एक पर्स में वाला फोन, मेरा फोन घुमा दिया, पागल है दीदी क्या? नहीं नहीं, मेरे फोन मेरे हाथ में होते तो पीछे होते हैं। छोटे वाले पर्स में देखे, छोटे वाले बैग में देख, कितनी चुटकी अंदर फोन डाला है, पापा की है क्योंकि मैंने पकड़ती, मेरे फोन मैंने मैंने ना पर्स पकड़ा ना मैंने फोन पकड़ा, ये आपने रखा है, इन निखाने मेरे से भी ज्यादा फोन है ये वाला, अब मैं गेम खेलूंगा। रुको मैं पीछे का सिनेरियो दिखाती हूँ इनको, नन्नू मामू कुंफू, वो कुंफू खेल रहा था कुंफू, नन्नू मामू नन्नू आगे सीट बेस्ट हो जाए यार, वैसे क्लास का बच्चा है। हाँ, कुंफू, तो गाइस अब पहुंच गए खाना खाने के लिए ढाबे पर। तो गाइस इस टाइम बज गए हैं 10 बज चुके हैं ना, 10 बज चुके हैं और हमें भूख लग गई थी, हम आ गए हैं यहाँ पर ढाबे पे खाने के लिए। तो यहाँ पर हम डिनर करके फिर जाएंगे आगे। अब अमृतसर में रह गया है सिर्फ 170 किलोमीटर, तो बस 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे अमृतसर अपने घर फाइनली। और अभी हम खाते हैं खाना, तो ये हाईवे पे ढाबा था तो यहाँ पर हम आ गए हैं अभी खाना खाने। सभी चले गए अंदर, सही है मेरे पास खड़ा, ये मेरे मुझे छोड़ के जाता नहीं है, ये इसको होता है कि मम्मा साथ चलो आप अंदर। लाइट जल गई अंदर, 1 मिनट मम्मी लाइट बंद कर, लाइट जल गई है, खोल लाइट बंद कर, होगी चलो चलते हैं अंदर और करते हैं अपना डिनर। तो गाइस फाइनली पहुंच गए अमृतसर अपने घर, अपने एरिया में आके ना बड़ा मतलब वो लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से हम यहाँ पर ये देखा ही नहीं है, ये अपनी गलियां वापस बैक टू स्वीट होम। आ गए गाइस, गाइस बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बस अब मुझे जाके सोना है। गाइस मैं ना सारे रास्ते सोती आई हूँ इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। पहुंच के घर फाइनली। सयम साया, साया भी सारे रास्ते सोता है, फोन चार्जर सब कुछ बाहर निकाल लेना। हाँ
ये पापा का फोन है, ये पापा का पर्स है और इसमें भी सामान था। ये भी फोन है प्रसाद है, ये पकड़ सामान तो निकाल ले। कोई बात नहीं, ये भी सारा सामान है इधर।